सिंड्रेला की कहानी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी जोन। आज एक समय की बात है, किसी राज्य में व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था एला। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी जरूरतें पूरे करते थे। लेकिन एला की जिंदगी में एक चीज की कमी थी, वह थी उसकी माँ, जो उसे छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एला की नई माँ दो बेटियाँ थी, वह बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहनें भी मिल गई थी। दो बहनें बहुत घमंडी थी, लेकिन एला उनसे प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती थी। एला की खुशियों का ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से किसी दूसरे शहर गए तो फिर कभी वापस नहीं आए। एला पर तो मानो मुश्किलों के पहाड़ टूट गए। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें उसके घर की मालकिन हो गई और एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और अब एला ही घर का सारा काम करती थी। उसकी बहनों ने तो उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती, सारा दिन उनके काम करती। कभी कभी तो एला इतनी थक जाती थी कि अंगीठी के पास हो जाती थी। अक्सर एला जब सुबह उठती तो अंगीठी की राख यानी सिंडर उस पर पड़ी होती। उसकी बहनें उसे सिंडर एला कह के चुराती और इस तरह उसका नाम सिंड्रेला हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्साहित थी। जाहिर सी बात है, अब राजकुमार मिलने वाला है, वो भी अपनी पसंद का, तो क्यों ना खुश हो। सिंड्रेला और उसकी बहन भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी। लेकिन फिर सिंड्रेला की ये खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होंगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। सिंड्रेला और जादूगरनी। सिंड्रेला अब इन ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बता दी। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओह प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ खड़े पड़े पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बगी में बदल दिया। वही चार चूहे उछल कूद मचा रहे थे। जादूगरनी की नजर उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। जब जरूरत थी तो कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे एक मेंढक दिखा और उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देख हैरान हो रही थी कि तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला और राजकुमार। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें उसी को देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने सब उसके साथ डांस करने लगे। सिंड्रेला तो सौतेली बहनों के साथ साथ वहां मौजूद सभी लड़कियों का जलना शुरू हो गया, लेकिन कोई सिंड्रेला को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसे देखा ही देखते ही फिसल गया और उस लड़की से शादी करेगा ऐसा ऐलान कर दिया। सिंड्रेला
भी राजकुमार की आंखों में ऐसी डूबी कि उसे जादूगरनी की बात याद ही नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाना था। सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहां से भाग निकली। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने फटे फूटे कपड़ों में देखे, लेकिन राजकुमार ने भी बहुत कोशिश की सिंड्रेला को ढूंढने की। वह उसके पीछे भागने लगा, मगर सिंड्रेला तो मानो जैसे पलक झपकते ही आंखों से गायब हो गई। आखिर सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वह जूती आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राज्य में तो जैसे तूफान आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को राजकुमार उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। लड़कियों को घर जाने से ज्यादा उस जूती में अपना पाँव संभाल के डालते हुए देख राजकुमार काफी हैरान हुए, और एक बार एक करके सारी लड़कियों ने जूती को अपने पैरों में डाल कर देखा। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों ने हर कोशिश की जूती पहननी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नजरें सिंड्रेला पर रुक गई। सिंड्रेला ने जब उसे पहना तो वह जूती उसके पैर में आ गई, जैसे उसी के लिए बनी हो। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हैरान और परेशान हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुंदर लड़की सिंड्रेला हो सकती है। राजकुमार ने जब सिंड्रेला से शादी के लिए पूछा तो सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई। राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और दूसरे को बहुत चाहते थे। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने की सजा के रूप में राज्य छोड़कर जाना पड़ा। तो आई होप आप लोगों को ये हमारी बचपन की कहानी सिंड्रेला की और उसके प्यारे से राजकुमार की कहानी काफी पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय चैनल, जरूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट स्टोरी को आप कितना रिलेट करते हैं, आप बचपन से कितना सुनते आए हैं, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में कुछ ऐसा ही रोमांचक, कुछ प्यारा सा और बचपन की यादें ताजा करने के लिए। स्टोरी जोन पे आते रहिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर।